सुदीप गो टू योर राइट पोजीशन है आपकी लेफ्ट ये हाँ ये बेटर है नितिन राइट जा हमेशा यही पोजीशन की जरूरत नहीं है राइट लेफ्ट जरूर जा सकते हो रेडी डबी फोन तेरे को श्रद्धा आएगी हाँ पहले जब ओके ओके और यहाँ से तुम बाहर गई गार्डन में बाकी हो पूरा ओके ठीक है सट्टू सट्टू सेम कर लीजिए एक्शन जल्दी आगे मेरा पहले एक्शन फिर बताओ
कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम अंदर हो वो बाहर है, वो नोटिस करो, फिर डायलॉग। ओके, रोल सीधा घुमाने से, सीधा थप्पड़ से, थप्पड़ मार, रोलिंग एंड एक्शन, बस वो कंफ्यूजन, रोलिंग एंड एक्शन, रोलिंग एंड एंड आपको अंदर होना होगा कमरे, और तब आपको बताना होगा यहाँ तुम्हारी जगह यहाँ और मेरी जगह यहाँ, समझी? रोलिंग एंड रोलिंग एंड एक्शन, वन मोर मोर प्रोमिनेंट मोर 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 क्विक रोलिंग एंड एक्शन कट। आपको राइट हैंड भी उतना ही पास देना होगा, ठीक है? रोल एक्शन, सॉरी, हाँ, ये तुम्हारी जगह, समझी? कमरे के बाहर, कमरे के बाहर, क्योंकि वो क्या है ना आयशा, अब मैं वो पहली वाली भोली भाली आरती दी नहीं रही, ओके? तुम्हारे सामने खड़ी है ना शिखा कुमार, वो तुम्हें हर एक चीज का मुंह तोड़ जवाब देगी, वो तुम्हारे पैरों की जूती नहीं, समझी तुम? पर सर जोर से करूं, वो सो रहा है अंदर। हाँ वो तो बेहोश है। ठीक है, रोलिंग एंड एंड एक बार वापस श्रद्धा आपको धक्का देने से लेना या काम करने से लेना, कहीं से भी, रोलिंग एंड एंड एक्शन, तीन चार, तीन चार, रुको, हो नितिन, लेफ्ट हैंड नितिन, लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ एक से बस, वो फोकस आगे का फोकस, हाँ मेरे पर दाइट, ये इसका फोकस है, रोलिंग एंड एक्शन, नहीं नहीं पहले वो चुटकी बजाई थी, रोलिंग एंड एक्शन, नहीं नहीं चुटकी बजा दीजिए एक्शन पे, रोलिंग एंड एक्शन, अंदर आज जो सीन हुआ लड़ाई का जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ये हो रहा है कि आयशा को उसकी जुड़वा बहन शिखा टक्कर देने आ गई है, और वो ये भी जान गई है कि शिखा जो है उसकी जुड़वा बहन आरती ही है, पर बाकी घर वाले अभी तक ये नहीं जाने, तो शिखा को बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है, क्योंकि आयशा ने उसके साथ बहुत कुछ किया है, बहुत गलत चीज़ें की हैं, तो वो बदला लेने के लिए और उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए वापस आई है। कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है ये तो आपको देख के ही पता चलेगा, पर देखे आगे आगे क्या होता है। शिखा वापस आई है, उसको टक्कर देगी, हो सकता है रघु जी को ये पता चल जाएगा कि शिखा ही उनकी आरती है, हो सकता है कि शिखा आयशा को हमेशा के लिए घर से निकाल दे, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। छोटे से छोटे आर्टिस्ट को बड़ा करने के लिए सुभाष भाई ने बहुत सारा मदद किया है जी। तो कल उनका बर्थडे था, तो आपके क्या ओ विशिमा, वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, मुझे पता नहीं था, हम यहाँ अपनी शूटिंग में इतना बिजी हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, बट विशिमा वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड उन्होंने हमारे इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वॉचिंग हिज फिल्म्स।
ऑडियंस के लिए आपका क्या कहेंगे? प्लीज़ ड्रीम गर्ल देखते रहिए 9:30 बजे लाइफ ओके पर। मैं मेघा गुप्ता हूँ जो शिखा का किरदार निभा रही हूँ। प्लीज़ हमें देखिए, हमें प्यार कीजिए और हम आपको इसी तरह मनोरंजन देते रहेंगे। जैसे कि देखा जाए आप यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे, इसके पहले और कभी कहीं एक्टिंग की थी आपने? जी मैंने बहुत सारा काम किया है, मैंने नच बलिए किया है, मैंने मैं तेरी परछाई हूँ किया है, मैंने काफ़ी काम किया है। तो यहाँ पे एक्टिंग करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नेगेटिव मैंने पहले कभी नहीं किया, हमेशा मेन लीड पॉजिटिव ही किया है। तो यहाँ पर उसको फेंकना और उसको धमकियाँ देना, तो ये थोड़ा एक्साइटिंग है, थोड़ा नया है जिसकी मुझे आदत नहीं है, तो मुझे भी काम में मज़ा आ रहा है। आई होप ऑडियंस भी इतना इन्जॉय कर रही है जितना मैं इन्जॉय कर रही हूँ। तो ऑडियंस एक नया मांगती है, तो आप नया क्या देने वाले ऑडियंस को? यही नया, आप एक शो में देख रहे हैं कि दो लड़कियां हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, जो एक दूसरे पर इतना नाराज़ हैं, इतना गुस्सा है, तो ये नया है ऑडियंस के लिए। थैंक यू।